शनिवार को थाना कोसीकला पुलिस ने 19 दिसंबर को शालीमार रोड पर फरीदाबाद निवासी सुनील के द्वारा शार्प शूटरों द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कराने के मामले में एक आरोपी रोविन पुत्र वीरेंद्र निवासी जनपद गौतम बुद्ध नगर को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इसके पास से हत्या में प्रयोग की जाने वाली लाल रंग की कार और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं रोविन के दो साथी रिंकू और अंकित, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोविन सुनील की पत्नी प्रीति के मर्डर की घटना को अंजाम देने वाले रिंकू और अंकित का साथी था, जो कि अपने घर से उनके साथ आया हुआ था। मृतका के पति सुनील के साथ पकड़े गए आरोपी रोविन की दोस्ती थी। रोविन के कब्जे से पुलिस ने एक कार सहित एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। घटना को अंजाम देने वाले शार्प शूटरों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी हुई है। पकड़े गए आरोपी रोविन का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ बिना जानकारी के शनिदेव मंदिर आया हुआ था। विगत 19 दिसंबर को थाना कोसीकला क्षेत्र अंतर्गत नंदगांव रोड पर एक महिला प्रीति वाइफ सुनील निवासी फरीदाबाद की हत्या उसके पति सुनील द्वारा ही कारित कर दी गई थी। इस संदर्भ में सुनील की पहले ही गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज घटना में शामिल रहे शार्प शूटर रोबिन भाटी शनाफ वीरेंद्र निवासी गौतम बुद्ध नगर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल एवं स्विफ्ट कार को बरामद किया गया है। इसके अन्य दो साथियों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।